जो भी चाहिए Z5 ऐप पर पाएं। बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मेरे क्लाइंट मिस्टर ऋषभ लुथरा बेकसूर है और ये बात मैं आज अदालत में साबित कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे मोनिशा जी को एक बार विटनेस बॉक्स में फिर से बुलाने की इजाजत चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। हाँ तो मोनिशा जी, वो क्या नई बात थी जो आप कोर्ट को बताना चाहती थी, प्लीज बताइए। चाचा, ऋत्विक का मर्डर ऋषभ लुथरा ने मैंने अपने आप से ज्यादा भरोसा आप पर करके करण की जिम्मेदारी आपको सौंपी थी प्रीता जी, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, आप समझदार हैं, आप करण को संभाल सकते हैं, आपको सही गलत का फैसला करना आता। मैं एक बार को प्रीता जी ये मान सकता हूँ कि इन लोगों ने गलती की होगी, इन लोगों को मालूम नहीं चला होगा कि करण क्या करने वाले। लेकिन आई एम सॉरी ऋषभ जी, मुझे एहसास हो गया था कि करण कुछ बहुत ज्यादा गलत करने वाला है, लेकिन लेकिन व्हाट प्रीता जी, लेकिन व्हाट, लेकिन की गुंजाइश कहाँ है। बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है कि तुम कल मोनिशा से शादी कर रहे हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम ऐसा नहीं करो, प्लीज ऐसा मत करो। ऐसा तो तब होता है जब किसी को किसी से संभाल के I'm sure, ये वाला दर्द उस दर्द से कम होगा जो तुम्हारे दिल में हो रहा है। नहीं। क्या नहीं? मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं तुम्हें कर्ज करता हूँ कि तुम्हारी शादी भी ना उस दाढ़ी वाले बकरे के साथ हो जाए। I mean, वो तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, लेकिन तुम्हारी शादी उसी से हो जाए ऐसा मैं चाहता हूँ। तुम्हारी शादी हो रही होगी ना उससे, तब भी मैं खुश होके बोलूंगा। शादी तो हो रही है ना? मेरी शादी पृथ्वी जी से ही तो होगी। रीता अरोड़ा, उस दाढ़ी वाले बकरे को छोड़ो और मुझे पकड़ो। जनरली ना हम किसी के आइडियाज को भी इग्नोर नहीं करते हैं, बट ये वाकई वाहियात आइडिया, एंड आई एम श्योर इट्स नॉट गोना वर्क। क्या वर्क नहीं करे? पूरी फैमिली एक साथ क्या खुसर खुसर कर रही है? इतने सारे ताम झाम हो चुके हैं और वो शादी होने वाली है, और आप सब लोग मिलकर शादी रोकने की प्लानिंग कर। What? Okay, fine. शादी के बाद तो मैं तुम्हारी दुनिया वैसे ही बदल दूंगी, और मुझे कोई बैकवर्ड्स करता ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और शादी के बाद तुम करोगे वही जो मैं तुम सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बादशाह नहीं चोरू का गुलाम चाहिए। वो क्या कहते हैं, हैंड बैग हर्ट्स बैग, गॉट इट? अब हर सवाल का जवाब मेरा करण देगा। हाँ? चलो बोलो, सबको सच बता दो। मुझसे सच की बात करिए तुम। देखो करण, आज सबको सच सच बता दो वरना। अरे क्या बता दूं सबको, क्या हम दोनों के बीच बेबी है? हम दोनों का बेबी। कितना प्यार है ना आपको मोनिशा से, तो करण से उसकी शादी क्यों तोड़ रहे हैं? एक नंबर के झूठे हो तुम सब के सब। क्यों नहीं बताया मुझे कि करण ने बेचारी मोनिशा के साथ कितना प्यार है ना आपको मोनिशा से, तो करण से उसकी शादी क्यों तोड़ रहे हैं? एक नंबर के झूठे हो तुम सब के सब। क्यों नहीं बताया मुझे कि करण ने बेचारी मोनिशा के साथ एक मिनट, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे फोन करके ऐसा क्यों कहा कि मेरी बेबी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई, ऐसा क्या किया उसने? तुमने और तुम्हारी उस बेबी ने मुझे परेशान करके रखा। तुम्हारी उस बेबी को करीना आंटी ने चढ़ाया और मेरे सर पर आके चढ़ गई। क्या? मेरे ही मुंह से मेरा सच उगलवा रही थी वो, तो मैं उससे 10 गुना ज्यादा स्मार्ट हूँ, इसलिए मैंने खुद
नहीं बचा पाती। उसने ऐसा किया? Listen, उसकी तरफ से I'm sorry. मैं उससे बात करूंगा, तुम टेंशन मत लो, okay? वो सब छोड़ो, तुम्हारा दुश्मन बिल्ला यहाँ पर है। बिल्ला यहाँ पर? लूथरा उसने? हाँ, वो यही था, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसे पकड़ा, मेरे हाथ से निकल गया। अजीत करीना आंटी की वजह से हमारा भांडा ही फूट जाता, क्या जरूरत थी मेरे और मोनिशा के बीच में झगड़े लगाने की? बेचारे मोनिशा, उसे कितना बुरा लग रहा होगा। एक काम करती हूँ, उसे जाकर सॉरी बोल देती हूँ, तो ये फालतू का हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वो यहाँ पर शहनाई वाला बनकर आया, जाके ढूंढो उसे, वरना तुम्हारे राज सबके सामने खोल देगा, और तुम्हारे राज खुलना मतलब मेरे राज को। मेरा राज खुल जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाय हुक और बाय क्रुक मैं उससे शादी करके ही रहूंगी, पर उसे करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझसे प्रॉमिस जो करके बैठा है। थैंक यू सो मच मोनिशा, ये शादी करने के लिए। अगर तुम ऐसा करोगी ना तो मुझे एक रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। तुम जानती नहीं हो तुम मेरे लिए क्या कर रही हो। अगर तुम ये शादी करोगी ना तो मुझे मेरी जिंदगी का प्यार मिल जाएगा। ये ब्लडी इडियट किसी भी तरह करण को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। इसे क्या लगता है कि करण की मोनिशा से शादी हो जाएगी तो प्रीता इसके लिए फ्री हो जाएगी? बहुत बड़ा गेम खेल रहा है पृथ्वी मेरे साथ, मुझे धोखा दे रहा है। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? I want to know कि तुम चाहती क्या और तुमने उस मोनिशा का सच सामने लाने की कोशिश क्यों की? जवाब दो मुझे। I'm waiting for your answer. जवाब दो right now. क्यों? अब क्यों जवाब नहीं दे रही? अब क्यों कुछ नहीं बोल रही? मुंह क्यों नहीं खोल रही अपना? अब तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई? वैसे तो जब देखो बक 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 करके मेरा दिमाग खराब करती रहती हो। अब क्यों चुप हो? मैं तुमसे जवाब मांग रहा हूँ, बोलो ना जवाब। नहीं, तुम जवाब कैसे दोगी? जवाब देने के लिए पहले सुनना पड़ता है, और तुम सुनने वालों में से तो हो नहीं। कौन सी बात सुनती हो तुम्हें? मैंने तुमसे कहा था कि चुपचाप चली जाओ अपने घर, जाके रेस्ट करो, रिलैक्स करो, पर नहीं, तुम्हें तो यहीं पर रहना है। प्रेग्नेंट हो तो क्या हो गया? तुम्हारे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करती, दिमाग यूज करती और उस मोनिशा को इशारा कर देती कि कोई तुम्हारी बात सुन रहा है, पर नहीं। याद है तुमने कहा था कि अगर मेरी शादी मोनिशा से हो गई और उसके बाद उसने मुझे डिवोर्स दे दिया तो कोई और लड़की मेरा हाथ नहीं थामेगी, कोई मुझसे शादी नहीं करेगी। तुम थामोगी मेरा हाथ? शादी करोगी मुझसे? मोनिशा तुम्हें डिवोर्स नहीं देगी। अगर दे दिया तो शादी करोगी मुझसे? ऐसे मजाक मत किया। मजाक नहीं कर रहा मैं। वैलेंटाइन्स डे हम सिखाएंगे जिंदल साहब को प्यार की परिभाषा। मिट जाएंगे सारे गले शिकवे साहिल और वेदिका जी के बीच। प्यार के दिन शांतनु को बनाऊंगी अपना वैलेंटाइन। लेकिन इन सारे प्यार करने वालों को मौत के घाट उतारूंगा। साजिशों को देकर मार, क्या जी टीवी की बेमिसाल जोड़ियों को हासिल होगी मोहब्बत की जीत? 2 घंटे का वैलेंटाइन स्पेशल 16 फरवरी शनिवार शाम 7 से रात 9 बजे। वैलेंटाइन्स डे पर किया साहिल ने अपने प्यार का इजहार, लेकिन वेदिका की नाराजगी का क्या होगा जवाब? अरे क्यों हो रहा है ये सब हमारे बीच? क्यों दूरियां बढ़ती जा रही है हमारे बीच? सब कुछ भूलकर वेदिका देगी इस अनोखी शादी को एक और मौका, या पुनीश की साजिश की चपेट में और दूर हो जाएगी साधिका की ये कहानी? देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये राग बार बार क्यों लाती हो तुम? अलीना की जिंदगी का सवाल है। असद मियां और उसके पूरे खानदान को अलीना की तस्वीर पसंद आ चुकी है। ये मसला आज खत्म। प्लीज दरवाजा खोलिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? क्या क्या एक्सीडेंट हो गया? थैंक यू सो मच, तुमने मेरा अभी मुझे वापस लौटा दिया। I'm so happy.
यू नो व्हाट, मैं नीचे जाके अभी के पास, क्योंकि रोने के लिए उसे कंधा चाहिए होगा ना, और वो कंधा सिर्फ मेरा हो सकता है। ये लड्डू दिए थे ताइमा ने मुझे। शाबाश कुबराड़ी सा। उस चुड़ैल तक पहुंचने में मेरा पहला सुराग मिल गया आपने। खाइए माने, और आप मारी बात समझ जावेगी। मुलाकात के लिए 2 मिनट दे रहे हैं। 2 मिनट? मुझे लगा था आप मुझे वापस लेने आए हुए था। पूर्व में तुम्हें घर वापस लेके जाऊंगा। अभी ले जाएंगे या? पुलिस के हिसाब से डब्बे पे 3 लोगों के उंगलियों के निशान थे। पहला पूर्वा का, हाँ, दूसरा मेरा। करेक्ट। अब जिसका वो तीसरा हाथ है उसी का इस सबके पीछे हाथ है। मल्हार ने तुमसे शादी इसीलिए की क्योंकि उसके बच्चे को एक आया बाई की जरूरत थी। उस बच्चे की असली माँ वापस आ गई और मैं अपने बच्चे को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा पिल्लू मेरे साथ मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। आखिरी सांस लेने के लिए बहुत बेताब हो रही हो ना कल्याणी? कोई नहीं, तुम्हारी ये इच्छा भी मैं अभी पूरी करती हूँ। कल देखिए कि किस तरह निवेदिता शान के पिता बनने की खबर से घबरा जाती है और क्या होगा निवेदिता का अगला कदम जिससे वो शान को पिता बनने से रोक लेगी। रिदोय के बच्चे को भी आना ही होगा। ये तेरी गलियां सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे